आज वित्त वर्ष 2015 का अंतिम कारोबारी दिन है और 1 अप्रैल 2015 से वित्त वर्ष 2016 का आगाज हो जाएगा। बाजार के लिहाज से वित्त वर्ष 2015 हमेशा यादगार रहेगा। इस वित्त वर्ष में सेंसेक्स ने 29,000 के स्तर को पार किया तो निफ्टी भी 9,000 के ऊपर जाने में कामयाब रहा। इंडेक्स की चाल पर नजर डाले तो वित्त वर्ष 2015 में सेंसेक्स ने 22.7% का रिटर्न दिया तो निफ्टी में 24.5% की उछाल दर्ज की गई। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी जीवन बीमा कंपनी SBI लाइफ में 10% हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई है। SBI ने एक बयान में कहा है कि केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति ने जीवन बीमा उद्यम SBI लाइफ इंश्योरेंस में SBI की 10% तक हिस्सेदारी बेचने को अधिकृत किया। कल आई जोरदार गिरावट के बाद आज रुपए में थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। आज डॉलर के मुकाबले रुपए की शुरुआत मामूली बढ़त के साथ हुई है। डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे की बढ़त के साथ 62.61 के स्तर पर खुला है। हालांकि सोमवार के कारोबारी सत्र में डॉलर के मुकाबले रुपया 26 पैसे की भारी कमजोरी के साथ 62.67 के स्तर पर बंद हुआ था। भारत की आर्थिक ताकत पर भरोसा जताते हुए पाकिस्तान ने कहा है कि भारत अगर प्रगति करता है तो पूरे सार्क पर दुनिया का भरोसा बढ़ेगा। वाणिज्य संगठन एसोचैम की एक बैठक को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा कि दक्षिण एशियाई देशों के बीच अंतर क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की जरूरत है। बासित ने कहा कि ऊंची आर्थिक विकास दर से भारत की आर्थिक ताकत बढ़ेगी जिससे पूरे सार्क इलाके को बढ़ावा मिलेगा। रसोई गैस कनेक्शन को बैंक खातों से लिंक करने के लिए आज आखिरी दिन है। अगर आज अपने गैस कनेक्शन को बैंक खाते से लिंक नहीं कराया तो आपको बाजार भाव से गैस सिलेंडर खरीदने होंगे। हालांकि अगर 30 जून तक सब्सिडी फॉर्म भर देंगे तो 3 महीने की सब्सिडी एक साथ मिल जाएगी और अगर जुलाई में फॉर्म भरेंगे तो सिर्फ 1 महीने की सब्सिडी मिलेगी।